बोलिए भारत माता की, किसान भाइयों बहनों की। आज मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता और लगातार तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन के पहली बार काशी पधारे हैं ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की हमारी राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय भाई केशव जी विजेश जी, आदरणीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप जी, सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय विधायकगण और पूरे देश से जुड़े हुए हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। ये इतिहास है, इतने बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और जनता ने जो जनादेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े के लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में, फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और यह फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी, प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने
हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधीय खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगुनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, मैं उनकी तलब को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। आज कृषि सखी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, गरीब बहनों को, और कई बहनें 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। आज कृषि सखी के प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाने हैं। हमारी वो बहनें जिनको ट्रेनिंग दी गई है किसानों को उनके काम में सहयोग करने के लिए, ऐसी 34,000 बहनें अभी ट्रेंड है, बाकी की और ट्रेनिंग होगी। एक तरफ किसान को वो अच्छी खेती करने में सहयोग करेंगी तो दूसरी तरफ उनकी आय भी बढ़ेगी। ये सारे प्रयास किसानों के कल्याण के लिए जारी रहेंगे। एक बार फिर मैं सभी किसानों की ओर से और लखपति दीदी और बहनों की ओर से भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ